ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट एक्सबीबी के चलते कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। XBB.3 सब वेरिएंट की वजह से सिंगापुर में कोविड इन्फेक्शन में तेजी से उछाल आया है। भारत के लिए भी ये खतरा बनता जा रहा है। देश के 9 राज्यों में अब तक XBB के केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें तमिलनाडु सबसे ऊपर है। GISAID एक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये वायरस के होने वाले बदलावों पर नजर रखती है। इसके मुताबिक भारत में 23 अक्टूबर तक XBB के 380 मामले सामने आए हैं। इस मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है, जहां 175 केस दर्ज हुए हैं। इसके बाद 103 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। मालूम हो कि बंगाल में भी ओमिक्रॉन के इस सब वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था। इन राज्यों में फैला XBB सब वेरिएंट तमिलनाडु और बंगाल के अलावा ओडिशा 35, महाराष्ट्र 21, दिल्ली 18, पुडुचेरी 16, कर्नाटक 9, गुजरात 2 और राजस्थान 1 में भी XBB का संक्रमण फैला है। अब तक मिले 380 मामलों में XBB.3 सब वेरियंट 68.42% है। XBB.2 के केस 15% और XBB.1 के 2.36% हैं। इसे देखते हुए दूसरे राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। नए वेरिएंट को लेकर WHO भी चिंतित। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई है। सौम्या के मुताबिक XBB वेरिएंट इम्यून सिस्टम को धोखा देकर संक्रमण का शिकार बना सकता है। साथ ही उन्होंने कुछ देशों में कोरोना की नई लहर की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के 300 से ज्यादा सब वेरिएंट चिंता का विषय बने हुए हैं। इसमें भी XBB वेरिएंट ज्यादा घातक है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, ये वेरिएंट इम्यून सिस्टम को धोखा देने में सक्षम है। हमने पहले भी कई घातक वेरिएंट देखे हैं, लेकिन ये वेरिएंट एंटीबॉडीज पर हावी हो सकता है। इस वेरिएंट के चलते कुछ देशों में फिर से कोरोना की लहर आ सकती है। हम XBB के साथ साथ BA.5 और BA.1 पर भी निगाह लगाए हुए हैं। ये दोनों वेरिएंट भी बेहद घातक हैं।